हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम फाइलम एनिलीटा और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने चार फाइलम अभी तक करा दिया है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मॉलस्का एंड प्लेटीहेलमिंथस, ठीक है। तो आई होप वो चारों फाइलम आपको क्लियर हो। तो आज का फाइलम हमारा एनिलीटा। तो एनिलीटा क्या होता है? एनिलीटा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है। इसमें सिलोम प्रेजेंट्स होते हैं, मतलब कैविटी प्रेजेंट्स होते हैं। ये बायलेटरल होते हैं एंड ट्रिप्रोब्लास्टिक होते हैं। इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक जैसे कि ये इसमें जो जितने भी जानवर आते हैं उन सब में क्या होता है, सेगमेंट्स होता है, ठीक है। इस तरीके से लाइन लाइन करके सेगमेंट होता है, तो इसलिए इसको हमने कहा है सेगमेंटेड ये होता है, ठीक है। वाटर और लैंड में प्रेजेंट होता है, वाटर में भी प्रेजेंट होता है और कई सारे लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो बोथ हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब इसमें ट्रू ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन कहा गया है। एंड इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक के बाद एक सेगमेंट लगातार ऐसे ऐसे करके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन बोला गया है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अर्थ वॉर्म हमने देखा होगा, अर्थ वॉर्म होते हैं, लीच होती हैं, नेरिस होता है, ये सब क्या हैं? ये जितने भी आप इंसेक्ट्स देखते होंगे जिसमें इस तरीके के सेगमेंट्स होते हैं वो सब अक्सर क्या होते हैं, एनिलीडा में आते हैं, ठीक है। अब हाँ, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है, ये लार्जेस्ट फाइलम है, नहीं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। ये लार्जेस्ट फाइलम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 80% स्पेसिस जो होता है वो ऑर्थ्रोपोडा ही होता है। हमारे देश में 80% स्पेसिस जो आप देखते होगे वो क्या होता है, वो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में ही आता है, इसीलिए हम लोग इसे लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। जनरली इसमें क्या इंसेक्ट्स आते हैं जिनको हम लोग इंसेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। सिलोम प्रेजेंट होते हैं, बायलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। सेगमेंटेड होते हैं, ये भी सेगमेंटेड होते हैं और सम टाइम फ्यूज्ड होते हैं। कुछ टाइम इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और कुछ टाइम इसमें सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लिखा गया कि सेगमेंटेड होते हैं एंड सम टाइम फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। टफ एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, इनका जो बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होता है वो क्या होता है, वो टफ होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। वो जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहरी का जो स्केलेटन उनका होता है, वो उनका काइटिन का बना हुआ होता है, इसलिए वो टफ़ होता है, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है। जॉइनिंग अपेंडेजेस लाइक फिट एंड एंटीना, इनके पास क्या होते हैं, जॉइनिंग अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मैंने बताया था कि एक्सटर्नल कोई भी आपका बॉडी पार्ट होता है जो आपके बॉडी पार्ट से अलग हट के अटैच होता है, वो हमारा क्या होता है, अपेंडेजेस कहलाता है। लाइक जैसे हमारे ये इंसेक्ट है, ठीक है, ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच के पास क्या इस तरीके का एंटीना है, ये उसके लेग्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सब इसके जॉइनिंग अपेंडेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ गए, स्कॉर्पियो आ गए, प्रॉन आ गए, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर, जितने भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलते हैं वो सारे किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों का में क्या क्या डिफरेंस है ये पता चल पाया एंड दोनों के स्पेसिस कैसे होते हैं ये पता चल पाया। तो आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले जो दो फाइलम बचे हैं वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।